हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर गेम पे माउस से कैसे आपने जो फ्री फायर गेम है कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे सेटिंग किया जाता है। अगर आपने जो माउस को अगर आपने इधर उधर करते हो, आपको यहाँ पर देख सकते हो जो एरो वाला बटन है वो इधर उधर घूम रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपके जैसे ही अपने माउस को इधर उधर करेंगे आपके एरो इधर उधर होना नहीं चाहिए। आपके कैरेक्टर है, कैरेक्टर इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपके जो गेम है आप बहुत ही अच्छी तरीके आप खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एरो वाला बटन है, मैं माउस को इधर उधर कर रहा हूँ तो इधर उधर हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर कैरेक्टर को इधर उधर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आप टच करके फिर आप इधर उधर करेंगे तब होगा, लेकिन ऐसे में गेम खेलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके जो माउस है कैसे आपने फ्री फायर गेम के साथ कैसे आपको सेटिंग करना है, ताकि आप ओनली माउस को अगर आपने ओनली हटाएंगे, ठीक है, तो सिंपली आपके जो कैरेक्टर है वो भी मूवमेंट करने लगेगा। और जो कि आप इधर उधर जाएंगे तब भी आप छूटेंगे, दौड़ेंगे तब भी आप माउस को इधर उधर घूमेंगे तो आप उस तरफ ही जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कैसे आपके जो माउस है कैसे आपने फ्री फायर गेम से कैसे कनेक्ट किया था, ताकि गेम खेलने में बहुत ही आसान और सुविधा हो जाए। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ बताया हो। दोस्तों जब मैं जो कि एकदम पहली बार, अगर आपने पहली बार कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस से गेम खेल रहे हो, चाहे कंप्यूटर चाहे मोबाइल में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तब आपको पता नहीं होता, वो डिफ़ॉल्ट में वो ऐसा एरो वाला बटन आपको लग जाता है। अगर आपने ऐसा करके आप घुसा देंगे किसी भी जैक में मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो आपको ऐसा वाला जैक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो बटन दिया गया है, दो बटन में अगर आपने इधर में इस बटन को अगर आपने दबा देते हो एक बार, तो आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर एरो वाला बटन है तो इस बटन में हम दबा देंगे अभी, इस बटन में, तो देखिए एरो वाला बटन जो कि गायब हो गया, फिर से आ गया। इसमें अगर मैं टच कर तो फिर से गायब हो गया, फिर से आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला बटन से अगर आपने जैसे ही आप दबा देंगे तब ये जो एरो वाला बटन है वो गायब हो जाएगा। अभी अगर आपने माउस को पकड़ के इधर उधर करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि आपकी जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। तो यही होता है मेन जो सेटिंग, ठीक है। तो बहुत सारा फ्रेंड को पता भी नहीं होता है, अगर फर्स्ट टाइम अगर फ्री फायर गेम कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से खेल रहा है तो वो बंदा क्या करेगा, ऐसे ही वो राइट वाला बटन से दबा के फिर यहाँ से वो कैरेक्टर को हिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड में आपको टच कर देना है और इसके बाद आपको ऐसा ऐसा करके घुमाना है, तब आप देखेंगे आपके जो माउस जिस तरफ आप घुमा देंगे उस तरह ही आपका कैरेक्टर घूमने लगेगा। अगर आप गेम प्ले भी करेंगे तब भी आप बहुत ही आसानी से अपने फ्री फायर गेम को खेल सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने कीबोर्ड माउस से खेलना चाहते हो या आप खेलने जा रहे हो, तो फ्रेंड कुछ सबसे बहुत ही आसानी से अपने लेना फ्री फायर गेम पे, जो कि आपने किसी भी गेम पे बहुत ही आसानी माउस को आप सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों मैं पहले जब मैं माउस से खेलता था तो मुझे पता नहीं था, तो आपको पता था या पता नहीं था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो के साथ आज तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।